अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशिया कप के सुपर फोर मरहले में भारत से बुरी तरह हारने के बाद सोशल मीडिया सार्फीन ने बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा डाला। कोलंबो में खेले गए दूसरे पाक भारत टाकरे में ना तो पाकिस्तानी बैटिंग ने काम दिखाया और ना ही बॉलर्स ने। 228 रन्स के बड़े मार्जिन से हारने के बाद कप्तान बाबर आजम समेत पूरी टीम पर इस वक्त इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। अब हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर चंद एक पोस्ट ऐसी गर्दिश कर रही हैं जो अवाम के ज़ेहन में खलल पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इनमें देखा जा सकता है कि जिस वक्त मैच से कबल टॉस किया जा रहा था तो कौमी टीम कप्तान बाबर आजम के टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने हाथ से इशारा कर डाला कि हम बैटिंग करेंगे, जबकि इस वक्त बाबर आजम ने यह तक नहीं कहा था कि हम बॉलिंग करेंगे या बैटिंग। इसके अलावा एक सारिफ ने पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ की मैदान में बैठे मैच देखते हुए की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि ये वही शख्स है जो 2011 में भी बोर्ड के चेयरमैन थे, तो पाकिस्तान उस वक़्त भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच भी बुरी तरह हार गया था और आज ये फिर से मैदान में मौजूद थे तो पाकिस्तान मैच हारा। वाज़ह है कि पाक भारत टाकरे का ये दूसरा मैच बारिश के बायस पहले दिन मुअत्तल कर दिया गया था जिसे दूसरे दिन खेला गया था।